sliding. Chance put down. Tough chance. That might be it. Wide of third man, it will be. That's the winning shot, Hasanunga. एशिया कप टी20 टूर्नामेंट 2022 का फाइनल आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच शाम 7 बजे दुबई में खेला जाएगा। दोनों टीमें मैच जीतने के लिए परस्त। मैं तकरीबन पाकिस्तान के तमाम इलाकों में फिर चुका हूं जहां सैलाब आया, उथल से लेके नसीराबाद, राजनपुर, सवात, लाड़काना, शहजादकोट, खैरपुर, और आज मैं ये दादू के इलाके में आया हूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तबाही इस इलाके में आई है। मंछर झील और हमल झील, जो जिनका आपस में फासला तकरीबन 100 किलोमीटर का है, वो मिल चुकी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दादू के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया। ISPR के मुताबिक COS ने रिलीफ और मेडिकल कैंपों में सैलाब मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा। फॉर्मेशन दादू के सैलाब मुतासरीन को फौरी तौर पर 5,000 टेंट्स फराहम करे, आर्मी चीफ की हिदायत। आर्मी चीफ ने सैलाब की तबाहकारियों का फजाई जायजा भी लिया। कभी भी कोई काम उसकी परवाज ऊपर नहीं जा सकती जब तक वो गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं, तो चार किस्म की चीजें, चार किस्म की गुलामियां, चार चीजें हैं जो हमें गुलाम रखती हैं। PTI का गुजरावाला में जलसा। चेयरमैन तहरीके इंसाफ बोले कि हकीकी आजादी के लिए जेल छोटी चीज है, जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हूं। हाईकोर्ट तौहीन अदालत केस में जो भी फैसला करेगी कबूल करूंगा, मैं कॉल दूंगा, पुरमन एहतजाज करके जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे, मैं तैयारी कर रहा हूं, कभी भी कॉल आ सकती है। DHS स्कैंडल का मफरूर मरकजी मुलजिम कामरान कयानी मंजरे आम पर आ गया। तकरीबन 8 साल मफरूर रहने के बाद कामरान कयानी पाकिस्तान वापस आ गया। कामरान कयानी पाकिस्तान वापसी पर जमानत भी हासिल कर ली है। DHS स्कैंडल में कामरान कयानी पर 15 अरब रुपए के मुबैना फ्रॉड का इल्जाम है। डूबी रकम वापस की जाए, मुतासरीन DHA का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के हमराह सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। सखरामत पर वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला सिंध की वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम-ए-मुत्तहिदा को ब्रीफिंग। एंटोनियो गुतरेस बोले कि आलमी बिरादरी को इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देना होगा। मौसमियाती आलूगी को कम करने के लिए इकदाम करने की जरूरत है। आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना होगा। ₹25,000 रुपये फी घराना जो सैलाब के पानी से मुतासर हुआ है उसको दिए जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह मिलकर वफाकी हुकूमत और सूबे की हुकूमत मिलकर इंशाअल्लाह हम सब आपकी खदमत में हाजिर हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस माय डीप सॉलिडेरिटी टू ऑल ऑफ यू दैट हैव सफर्ड सो मच। आने वाले अगर कोई भी सैलाब हो, इस किस्म का तबाह हो, तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो घर है, हमारा जो रोज है, वो उसको विदस्टैंड कर सके। वज़ीर-ए-आज़म और UN सेक्रेटरी जनरल की सैलाब मुतासरीन कैंप आमद, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर शाज़ी अमरी और वज़ीर-ए-आला सिंध भी हमराह थी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म है। बिलावल भुट्टो बोले कि सब मिलकर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए काम करेंगे। एंटोनियो गुतरेस का कहना था कि पाकिस्तान के पास सैलाब से नुकसान के अजाले के लिए वसाइल कम हैं, इमदाद की जाए।
वज़ीर-ए-आज़म का यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के हमराह बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाके औस्ता मोहम्मद का दौरा, हुकाम की सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म बोले कि सैलाब मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए गए, मुतासरीन की बहाली सबसे बड़ा चैलेंज है, विफाक सूबों के साथ मिलकर मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम कर रहा है, आलमी बिरादरी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मदद करे। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कराची एयरपोर्ट पर आए, बोले कि मेरे पास अल्फाज नहीं जो देखा बयान कर सकूं। सैलाब से लाखों अफराद बेघर हुए हैं। मौसमियाती तब्दीली आज के दौर का एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक के इकदाम की कीमत चुका रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले कि इजहार एकजहती के लिए सेक्रेटरी जनरल का मशकूर हूँ। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए तमाम इकदाम करें। वज़ीरे इत्तला'आत सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सिंध के मुतासरा अजला में 1716 रिलीफ कैंप्स काम कर रहे हैं। मुतासरा अजला में 5,94,620 मुतासरीन को कैंपों में मुंतकिल किया जा चुका है। हैदराबाद डिवीजन में 296 और सखर में 269 कैंप्स कायम किए गए। मुखय्यर हजरात और फलाही इदारे इमदादी सामान की तकसीम के लिए PDM से राबिता करें। हालांकि आजकल ये भी है कि सवाल पूछने के ऊपर तोहीन लग जाती है। इनको है खौफ और ये खौफ से इलेक्शन से भाग रहे हैं। एक बड़े भरे दिल से और अफसोस करना चाहता हूँ हुनैद लखानी का। इलेक्शन कमीशन के इकदाम पर सवाल पूछने पर तौहीन का सवाल लग जाता है। मुल्तान में और लियारी में कौन सा सैलाब आया है कि ज़िम्नी इलेक्शन मुलतवी किए गए। हुकूमत खौफ के बाद बल्दियाती इंतखाबात से भाग रही है। रहमा PTI अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि पूरे सिंध में घूम रहा हूं मगर मुझे हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। सिंध डूबा नहीं है, डुबोया गया है। सैलाब तो सबसे ज्यादा पागल अगर पानी देखें, बिखरा हुआ पानी तो KP में था, होटल की होटल ले गया, लेकिन कोई बंदों पर उस तरीके से बैठा हुआ नज़र नहीं आ रहा, कोई लावारिस नज़र नहीं आ रहा। और उसके बाद हमने देखा पंजाब में भी 3 ज़िला में आया, कच्चे में आया, लोग सेटल हो गए हैं, लेकिन जो तबाही सिंध में हमने देखी उसकी वजह ये है कि 14 साल से ड्रेन का सिस्टम है, लेकिन 14 साल से ना बंद मजबूत किए गए, ना भल सफाई की गई, ना खाटी की गई। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं कि सिंध में इमदाद आ रही है मगर तकसीम होती नजर नहीं आ रही है। पूरे सिंध में हर जगह इमदाद की तलाश में अवाम की नजरें हैं। वज़रा की फुर्तियां फोटो सेशन के लिए हैं, करोड़ों के बिल खानों पर बनाए जा रहे हैं। सिंध डूबा नहीं, डुबोया गया है। सिंध में तबाही की वजह नहरों के बंद मजबूत न करना है। अरबों रुपए बंदों को मजबूत करने पर लगाए गए, कहाँ गए। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल कहते हैं हेलीकॉप्टर्स पर दौरा करने से मुतासरीन को इमदाद नहीं पहुंचती। जो मुतासरीन के पास जा रहे हैं वो तस्वीर के सिवा कुछ नहीं करते। सैलाब और बारिश में भी मकामी हुकूमतें ही सरगर्म रहती हैं। मकामी हुकूमत का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कब्जा माफिया से लोगों को छुटकारा दिलवाया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब से अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद की क्यादत में वफ्द की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के प्लान पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खसूसी इमदादी पैकेज दिया है। सदर जो बाइडन से मुलाकात की खुशगवार यादें आज भी ताज़ा हैं। ताहिर जावेद का सैलाब मुतासरा काश्तकारों को मुफ्त सोलर पम्प्स फराहम करने का ऐलान। आप एयर कंडीशन बस
20 रुपए में और 15 रुपए में और 10 रुपए में आप जो है वो अवेल कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी है कि यहाँ के जितने भी ट्रांसपोर्ट के इश्यूज हैं उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कराची में अब्दुल सत्तार ईदी ऑरेंज बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन बोले कि मंसूबा 100% सिंध हुकूमत का है, बस का किराया 10 से लेकर 20 रुपए तक है। कराची ट्रांसपोर्ट मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर से बात की है, बसें लाएं, हम सहूलियात देंगे, कराची के आवाम के लिए मजीद ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। ये वक्त दुखी इंसानियत की इमदाद का है, मुतासरीन को बहाल करने का है। हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह कमिटेड है कि इस कुदरती आफत को आलमी सतह पर इस हवाले से आगाही देना। एक तरफ सैलाब से मुल्क डूबा हुआ है तो दूसरी जानिब एक शख्स सियासत बचाने के लिए जलसे कर रहा है। मुतासरीन की बहाली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। विफाक सूबों के साथ मिलकर मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम कर रहा है। अदातारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि मौजूदा सूरत हाल में हमारे जलसे जुलूसों का इरादा नहीं। परवेज इलाही ने नाअहली में उस्मान बुज़दार का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्हें पंजाब में सिर्फ एक वोट की बर्तरी हासिल है। एक तरफ सैलाब से मुल्क डूबा हुआ है तो दूसरी जानिब एक शख्स सियासत बचाने के लिए जलसे कर रहा है। कौम आखिरी गेंद की तरह आज आखिरी जलसे के लिए तैयार रहे। पीटीआई आज अगले मरहले का ऐलान करने जा रही है। विफाकी वजीर शेर रहमान का ट्वीट, बोली के इमरान बचाओ तहरीक के दूसरे मरहले में इल्जाम तराशियों में तेजी आएगी, इमरान खान को माइनस करने में किसी को दिलचस्पी नहीं। डॉलर की किल्लत, सिंध में फसलों की तबाही और महंगाई का तूफान, कौम का इम्तिहान, सामराजी पॉलिसी आ रही हैं, डॉलर नहीं आ रहे, ये गुरबत मिटाओ नहीं गरीब मुकाओ पॉलिसी लेकर आए हैं। शेख रशीद का ट्वीट, बोले कि पीडीएम अपने बेटों में बांट रही है और गरीबों को डांट रही है। शुकुर शाद के इस्तीफे की मअतली से सारे इस्तीफे मअतल हो गए हैं। कौम की बर्दाश्त जवाब दे गई है, कानूनी जंग में अदलिया पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि अगर हम IMF के पास ना जाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। पाकिस्तानी जितनी सेविंग्स करते हैं उतनी ही सरमायाकारी कर देते हैं। अगर बजट खसारा 5,500 अरब होगा, ये कैसे पूरा होगा? ये भी सोचा कि शायद निगरान हुकूमत आ जाएगी। टैक्स बढ़ाने पर मुझे कोई खुशी नहीं मिलती क्योंकि मैं भी ताजिर हूँ, हमें टैक्स पेयर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। तहरीके इंसाफ का शुकुर शाद को शो कॉज नोटिस जारी, बुनियादी रुकनियत भी मुअत्तल कर दी। पार्टी ने 7 रोज में शुकुर शाद से वजाहत तलब कर ली। शुकुर शाद ने खुद इस्तीफा दिया और ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट भी किया। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना स्टेटस साबिका मैंने लिखा, आप पार्टी के खिलाफ बयान भी देते रहे, क्यों ना आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाए, नोटिस का मतलब। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की GIT के सामने तलबी का मामला, साबिक वज़ीर